डीजे पर विवाद के चलते एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मामला दिल्ली के मंगोलपुरी का है। इस इलाके में एक महिला के पति का डीजे पर कुछ युवकों से विवाद हो गया था। फायरिंग हुई थी। कैसे, क्या देखा? उधर से लड़ाई हो रही थी। हाँ, डीजे पे? हाँ, डीजे की साइड से फायरिंग हो रही थी। तो किसको गोली लगी है? एक औरत को गोली लगी। कहा जा रहा है कि बीच बचाव के दौरान युवकों ने गोली चला दी जिसमें महिला की मौत हो गई। मरने वाली महिला का नाम सुनीता था। तो वहीं दूसरी तरफ बरवाला गांव में भी एक शादी समारोह में खाना खाने के दौरान मामूली सी कहासुनी पर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। इस मामले में किशोर की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया। खाना खाने गए हुए थे शादी में, वहाँ पे मेरा भतीजा निशान ये भी गया हुआ था। हमने देखा इनका झगड़ा हुआ, तो सर जैसे हम भागे भागे गए तो वहाँ पे देखा अमित और ये निशान दोनों थे, इनको सर चक्कू मारा। विशु ने पकड़ रखा था और अमित ने चक्कू मारे और सर वहाँ पे भीड़ थी तो पता नहीं, हमने देखा दोनों गिर गया, हम उनको पकड़ने गए तो वो भाग गए। कहा जा रहा है कि मृतक निशान के गांव के ही कुछ लड़कों से मामूली सी बात पर कहासुनी हो गई और ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि शादी में चाकूबाजी की नौबत आ गई। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डीलर के दफ्तर पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई है। यहाँ कोई बाइक पे आता है बंदा और यहाँ को बंदा पे लक्की सर मंदिर बैठे हुए हैं, उनको जो है गोलियां मार के चला जाता है वो आराम से इजीली। बताया जा रहा है कि पल्सर बाइक पर आए बदमाश ने प्रॉपर्टी डीलर पर कई राउंड गोलियां चलाई। गोली लगने से संजीव नाम के प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। परिवार की माने तो प्रॉपर्टी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। तो वहीं दिल्ली के वजीरपुर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने फैक्ट्री के बाहर कलेक्शन लेने आए हुए व्यक्ति को गोली मार दी। मृतक व्यक्ति का नाम नसीम अहमद है जो कि राजा पार्क इलाके का रहने वाला था। ये मेरे जीजाजी है मोहम्मद नसीम, ये हमारा काम स्टील थोड़ा सा काम कर रखा था, अभी दो तीन महीने हुए थे काम शुरू करके, यहाँ पर सीमेंट लेने आए थे तो इनके पीछे पता नहीं क्या मामला हुआ है, गोली मार दी। कितनी गोलियां मारी? दो लगी सर, दो बता रहे हैं। शख्स वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्क्रैप खरीदने का काम करता था। लाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।